वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। ओपन पोर्स एक ऐसी समस्या है जो बहुत लोगों को परेशान करती है, एकदम ही फेस की अपेयरेंस खराब कर देती है। वो जो एक स्मूथ सी लुक हम चाहते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं मिल पाती और फेस बहुत ज़्यादा रफ लगता है। ओपन पोर्स की अब जो दिक्कत है ना, वो मोस्टली परेशान करती है ऑयली स्किन वालों को। वैसे ऐसा नहीं है सिर्फ ऑयली स्किन वालों को, ये ड्राई स्किन को भी हो सकता है, बट ज़्यादा ये ऑयली स्किन को परेशान करती है। ऑयली स्किन होने की वजह से आपके फेस पे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हो जाते हैं ओपन पोर्स। ओपन पोर्स आपके फेस पे कहीं पे भी हो सकते हैं, फोरहेड पे हो सकते हैं, चीक्स पे हो सकते हैं, नोज पे हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉग्ड पोर्स के बारे में। जब आपके पोर्स ओपन अप होते हैं या एनलार्ज हो जाते हैं, तो होता क्या, उसमें जाता है डर्ट, ऑयल, बैक्टीरिया, और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो हो जाता है ऑक्सीडाइज, जिससे वो ब्लैक कलर का लगने लग जाता है और हो जाते हैं ब्लैक हेड्स, या कहें व्हाइट हेड्स, या कहें क्लॉग पोर्स। और क्लॉग पोर्स होने की वजह से आप कोई मर्जी कॉस्मेटिक्स यूज कर लो, वो आपके पोर्स के अंदर जा ही नहीं पाता और बेस्ट रिजल्ट्स दे ही नहीं पाता, जिससे आपका फेस हमेशा ही डल लगता है। इससे पहले हम ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े, पहले मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूं ओपन पोर्स के, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए क्या क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहला रीजन होता है एक्सेस ऑयल सिक्रीशन और एक्सेस सेबम। सेकेंड मेन रीजन होता है हेरिडिटी, अब वो तो कंट्रोल हम कर ही नहीं सकते। थर्ड रीजन होता है सन एक्सपोजर या फिर एक्सटर्नल डैमेज। जब आप एनवायरनमेंट में बाहर जाते हो, सन में बाहर जाते हो, तो पॉल्यूशन की वजह से डैमेज हो जाता है, जिससे हो जाते हैं ओपन पोर्स। रीजन नंबर फोर, हार्मोनल इररेगुलरिटीज। अब इनमें से कोई भी रीजन हो आपके ओपन पोर्स का, हमें ट्रीटमेंट तो करना ही है। हम आज एक आपको परमानेंट सोल्यूशन बताने वाले हैं ओपन पोर्स का, प्रोवाइडेड आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हो। ये ट्रीटमेंट तो बिल्कुल परमानेंट है, बट आपको कंसिस्टेंटली स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ओपन पोर्स हटाना कोई मंजिल नहीं है, वो आपको रेगुलरली फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो अप करोगे तो वो वापस एनलार्ज हो जाएंगे और वापस बुरे लगने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं हाउ टू ट्रीट ओपन पोर्स एंड क्लॉग पोर्स परमानेंटली। मैं आज की वीडियो में आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूँ, जो आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं, डेली रूटीन भी और वीकली रूटीन भी। अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ओपन पोर्स बिल्कुल ही आपके मिनिमाइज हो जाएंगे और नेकेड आई से बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। स्टेप नंबर वन, फेस क्लिनजिंग। ये सबसे जरूरी स्टेप है, आपको अपने फेस को प्रॉपरली क्लिंस करना है। दिन में दो बार एक बढ़िया सा फेस वॉश लो, जो हो नॉन कोमेडोजेनिक और बहुत ही जेंटल, केमिकल वाला ज्यादा मत लेना। जब आप एक अच्छा फेस वॉश यूज करते हो तो आपके पोर्स में जितना भी डर्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, ऑयल होता है, वो प्रॉपरली रिमूव हो जाता है। और जब आपके पोर्स बिल्कुल क्लियर होंगे ना, तो ओपन पोर्स वैसे ही कम विजिबल होंगे। और इसके साथ साथ जो हमने आगे ट्रीटमेंट फॉलो करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पोर्स बिल्कुल क्लियर हो, वरना उनका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। अब अगर आप एक बढ़िया फेस वॉश लेने का प्लान कर रहे हो, मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूंगा प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश, वो काफी ही बढ़िया रहता है। वो आपके ओपन पोर्स पे तो डायरेक्टली वर्क करेगा ही, साथ साथ आपके पोर्स को भी बिल्कुल क्लियर करेगा और पोर्स को रिन्यू करेगा, जिससे आपको मिलेगी क्लियर और हेल्दी स्किन। स्टेप नंबर टू, पोर टाइटनिंग टोनर। एक बढ़िया टोनर तो आपके पास होना ही चाहिए, टोनर बहुत बेनिफिट देता है आपकी स्किन को। जब आप फेस वॉश करते हो ना, फिर भी आपके पोर्स में डस्ट रह जाता है, फिर जब आप टोनर लेते हो और प्रॉपरली अपने फेस को क्लिंजिंग करते हो, उसका बेनिफिट क्या होता है, जो बचा हुआ डस्ट होता है ना, वो भी प्रॉपरली रिमूव हो जाता है। और इसके साथ साथ आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हेल्दी रखता है, बिकॉज जब आप एक फेस वॉश करते हो तो नेचुरल ऑयल भी निकल जाता है एक्सेस ऑयल के साथ, जिससे होता है कि आपका फेस हो जाता है एक्स्ट्रा ड्राई। तो एक टोनर मेक श्योर करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे और पीएच बैलेंस हेल्दी रखे। सिर्फ यही नहीं, वो आपके पोर्स को श्रिंक करने का भी काम करता है। अब अगर आप टोनिंग नहीं करते हो, आज के आज स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड स्टेप होता है और आपके स्किन केयर रूटीन में बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अब अगर आप सोचो कौन से वाला टोनर लेना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप बायोटिक का क्यूकम्बर टोनर ले सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया है। और सेकेंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्लम का ग्रीन टी टोनर, वो भी बहुत बढ़िया है जब बात आती है पोर टाइटनिंग की। स्टेप नंबर थ्री, इन्वेस्ट इन अ गुड नायासिनमाइड फेस सीरम। नायासिनमाइड, ऑल्सो नोन एज विटामिन B3, बहुत अमेजिंग रहता है हमारी स्किन के लिए। वो एक ऑलराउंड सीरम है, वो हर स्किन पे फायदा देगा और बहुत से बेनिफिट्स देता है। कुछ मेजर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क पैचेस हो गए हैं, डिसकलरेशन हो गई है, अनइवन स्किन टोन है, या फिर ओपन पोर्स है, ये हर चीज पे डायरेक्टली वर्क करता है। अब सबसे जरूरी होता है नायासिनमाइड की परसेंटेज डिसाइड करना। अगर आप बहुत ही बिगनर हो और आज से पहले आपने नायासिनमाइड या विटामिन B3 कभी यूज नहीं किया, तो आपको 5% नायासिनमाइड फेस सीरम लेना चाहिए, बिकॉज आप एकदम से अगर आप स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेशन ले लोगे तो वो आपकी स्किन को नुकसान दे देगा। बट अगर आपने पहले मॉइस्चराइजर्स यूज कर रखे हैं जिसके अंदर नायासिनमाइड होता है, तो आप 10% पे भी जा सकते हैं, पर उससे आगे आपने नहीं जाना। ये बहुत यूजफुल होगा आपकी स्किन के और डायरेक्टली वर्क करेगा आपके ओपन पोर्स पे। ओपन पोर्स
पोर्स को श्रिंक करने का काम करेगा और साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कौन सा नायसिनामाइड सीरम बेस्ट रहेगा मार्केट में, तो एक तो आता है प्लम का 10% नायसिनामाइड, दैट इज वेरी गुड, आप वो वाला ले सकते हो। उसमें राइस वाटर का बेस होता है जो बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए। और सेकंड बढ़िया ऑप्शन है मिनिमलिस्ट का 10% नायसिनामाइड फेस सीरम, वो भी बहुत अमेजिंग रहता है और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स डिलीवर करता है। अगर इनमें से कोई भी सीरम आप लेने का प्लान कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं, आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, मॉइस्चराइजिंग योर फेस। मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सीरम लगाने के बाद और नॉर्मली भी। जितनी भी गुडनेस आपको अब तक मिली है ना स्किन केयर प्रोडक्ट की, उसको लॉक करने का काम करता है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉइस्चराइजिंग हर स्किन टाइप को जरूरी होता है। एक बहुत लोगों का मिथ होता है कि मेरी तो स्किन ऑयली है, ऑलरेडी फेस पे ऑयल आ रहा है तो मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत क्या है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी स्किन ऑयली ही क्यों ना हो। जब आपकी स्किन ऑयली होती है ना और आप फेस वॉश करते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे फेस से ऑयल हट गया, और हट भी जाता है, बट साथ साथ नेचुरल ऑयल भी हट जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करो, ताकि आपका फेस एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस ना करे। आजकल मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं जो ऑयल कंट्रोल के साथ होते हैं और वो मेक श्योर करते हैं आपका फेस ऑयली जल्दी ना दिखे। अब अगर आप एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मेक श्योर करो वो नॉन कोमेडोजेनिक हो, आपके पोर्स को क्लॉग ना करे। और उसमें बेस्ट रहने वाला है न्यूट्रोजीना का हाइड्रा बूस्ट, वो बहुत ही बढ़िया है, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। आप चाहो तो इसके अलावा प्लम का मैट वाला मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है। ये था एक कमाल का डेली ब्यूटी रूटीन जो आपने रेगुलरली फॉलो करना ही करना है अगर आप एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन अचीव करना चाहते हो और अपने ओपन पोर्स की अपीयरेंस कम करना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूँ वीकली रूटीन जो आपने हफ्ते में एक बार फॉलो करना ही करना है। स्टेप नंबर 1, एक्सफोलिएटिंग योर फेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है जो आपने हफ्ते में एक बार फॉलो करना ही करना है। हमारे पोर्स में जो डर्ट वगैरह इकट्ठा हुआ होता है, जो फेस वॉश से नहीं निकल पाता, एक स्क्रब मेक श्योर करता है वो प्रॉपरली आपकी स्किन से रिमूव हो जाए। अब एक्सफोलिएशन के टोटल 2 तरीके होते हैं। एक होता है फिजिकल स्क्रब जो मार्केट में आराम से आपको मिल जाते हैं, एवरयूथ में आते हैं, न्यूट्रोजिना में आते हैं, प्लम में भी आते हैं, लोटस में भी आते हैं। आप उनमें से कोई भी एक स्क्रब पिक कर सकते हो और हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्ली अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करो, कुछ देर के लिए रखो और वॉश कर दो। सेकंड तरीका होता है केमिकल एक्सफोलिएटर्स जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग रहते हैं। अगर आप प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हो केमिकल पील्स के ऊपर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि केमिकल एक्सफोलिएटर के फायदे क्या होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, केमिकल एक्सफोलिएटर्स जो होते हैं वो आपके स्किन सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और डेड स्किन वगैरह प्रॉपर्ली हटा देते हैं, जिससे ओपन पोर्स की अपेयरेंस भी कम होती है और आपके फेस पे बढ़िया वाला ग्लो भी आता है। उसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप एक डेली एक्सफोलिएटर लेना चाह रहे हो तो मिनिमलिस्ट का AHA BHA 10%, बट अगर आप वीकली के लिए चाह रहे हो तो उसके लिए रहेगा मिनिमलिस्ट का 32% AHA PHA BHA, जो हमारे पास इजिली अवेलेबल है। मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, फेस मास्क। अगर आप एक फिजिकल स्क्रब यूज़ करो, ये स्टेप आपने तभी फॉलो करना है। अगर आप एक केमिकल एक्सफोलिएटर ले रहे हो तो ये स्टेप आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। जब आप एक फिजिकल स्क्रब यूज़ करते हो या कहीं एक फेस स्क्रब यूज़ करते हो, तो होता क्या, आपके पोर्स ओपन अप हो जाते हैं क्लीन होने के साथ साथ, तो एक फेस मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी बन जाता है। उसके कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा तो ओपन पोर्स नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आपके पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है और लंबे समय तक आपके फेस पे ग्लो बना रहता है। अब अगर आप एक बेस्ट ऑप्शन चाह रहे हैं कि फेस मास्क के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा लोटस का क्ले मास्क या फिर प्लम का ग्रीन टी क्ले मास्क, या कोई भी ब्रांड का आप क्ले मास्क ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए, बिकॉज वो एक्स्ट्रा ऑयल भी कंट्रोल करके रखेगा और ओपन पोर्स की अपीयरेंस विजिबली कम भी करेगा। सो दिस इज इट, ये था एक आसान सा ब्यूटी रूटीन। सुनने में जरूर लंबा लग रहा होगा, बट जब आप फॉलो करने बैठोगे ना, मॉर्निंग में लगेंगे आपके सिर्फ 15 मिनट और वीकली में लगेंगे आधा घंटा। इतना तो मुझे उम्मीद है आप अपनी स्किन केयर के लिए दे ही सकते हैं और मुझे लगता है देना ही चाहिए। जब कोई समस्या स्टार्ट हो जाती है ना, अगर आप तब दो तो कोई फायदा नहीं होता। रेगुलरली मेंटेनेंस होती है, जैसे हमारी गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है ना रेगुलर सर्विस, वैसे हमारी स्किन भी मांगती है। तो अपनी स्किन में आज का आज पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो, और पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करो। जब आप उसको टाइम दोगे ना, तो वो खुद ब खुद आपको बढ़िया वाला ग्लो भी देगी और आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा और वैसे भी अपेयरेंस अच्छी लगेगी।
कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका कट शॉर्ट हो रहा हो या कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने ऑर्डर करना है, हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी की डिटेल्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके चेकआउट कर लो और अपने लिए बढ़िया प्रोडक्ट आज ही ऑर्डर करो। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो परेशान हो चुके हैं डल फेस से, क्लॉक पोर्ट से, ओपन पोर्ट से। क्या पता ये वीडियो उनके लिए मैजिक की तरह काम कर जाए। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।